पंजाब की तारीख में आज तक यही होता रहा कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सिर्फ लाहौर शहर में होती रही। ये पहला टर्नओवर है जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वो तमाम ज़िलों को खुद जाकर अपना पैकेज दे रहे हैं। सियालकोट के हवाले से हमें तारीखी पैकेज मिला है जिसमें 18 बिलियन की डेवलपमेंट है, जिसमें साफ पानी है, सैनिटेशन है। हमें एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो दिया गया जो 5 बिलियन का है, वन करीब स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा हमें यूनिवर्सिटी जो सियालकोट की तारीख में अलामा इकबाल के शहर में जो पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ही विजन के मुताबिक है। कल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शेखपुरा गुजरांवाला और आफ़ताबाद का विज़िट किया, और पहले जो 12 यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी पंजाब में उसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अनाउंस की हैं जो गुजरांवाला में और शेखपुरा में बन रही हैं। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको डोर स्टेप पर तालीमी सहूलियात मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि तालीम के लिहाज से हुकूमत पंजाब के ये इकदाम बड़े तारीखी होंगे और आगे चलकर हमारे जो बच्चे हैं जिनको दूसरे शहरों में जाके पढ़ना पड़ता था वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।